Children, I welcome you all in English compulsory class. Yesterday we had completed the topic invitation. ठीक है, we had done how to form an invitation and replies of an invitation, accepting the invitation and declining the invitation. Today we will start a new topic, that is argumentation for and against. ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि आर्ग्यूमेंटेशन है, जिसमें कि वी विल राइट अगेंस्ट और फॉर द टॉपिक. ठीक है, इसका मतलब होता है कि हम जो है कोई भी टॉपिक होता है उसके अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है मतलब कि उसके खिलाफ, विपक्ष में. ठीक है, फॉर का मतलब होता है पक्ष, उसके फेवर में. ठीक है, या तो उसके फेवर में टॉपिक के, जो भी हमें गिवन टॉपिक है उसके फेवर में या उसके अगेंस्ट में, विद इन 50 वर्ड्स. ठीक है, वर्ड लिमिट के अंदर हमें जो है करना होता है. इसके अंदर जैसे कि हम ऐसे वगैरह लिखते हैं, आर्ग्यूमेंटेशन बड़े बड़े करते हैं वैसे ही करते हैं, बट इसकी जो वर्ड लिमिट होती है वो 50 वर्ड्स होती है. और वी शुड राइट ऑलवेज इन ब्रीफ, जो भी हमें लिखना है वो ब्रीफ में लिखना है. ठीक है, टू द पॉइंट लिखना है. अननेसेसरी वर्ड्स या अननेसेसरी लाइन्स को हमें अवॉइड करना है. ठीक है, इसके अंदर जो भी टॉपिक दिया गया है उसके या तो हमें फेवर में लिखने को कहा जाता है और उसके अगेंस्ट में लिखने को कहा जाता है. ठीक है, आप इसमें आर्ग्यूमेंटेशन का तो आप मतलब समझते होंगे, आर्ग्यूमेंट से बना हुआ है. आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है? बहस करना. ठीक है, आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है? बहस करना. ठीक है, जब किसी भी टॉपिक के ऊपर आर्ग्यूमेंट करा जाता है, कोई टॉपिक दे दिया जाता है उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट किया जाता है, या तो उसके फॉर में, फॉर का मतलब होता है जो भी टॉपिक दिया गया है उसके फेवर के अंदर हमें लिखना है. ठीक है, और अगेंस्ट का मतलब होता है कि जो भी टॉपिक दिया गया है उसके अगेंस्ट में हमें लिखना है. ठीक है, जैसे मैं आपको एक, इसमें भी जो भी ये क्वेश्चन होता है इसको हमें सबको बॉक्स के अंदर ही लिखना आता है. ठीक है, इसमें हमें एक टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक के हमें कहा जाएगा कि इसके फेवर में या इसके अगेंस्ट में लिखो. ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास में टॉपिक है डाउरी. डाउरी का मतलब क्या होता है? दहेज. ठीक है, डाउरी का मतलब होता है दहेज, अ टोकन ऑफ लव और कर्स. ठीक है, अब हमें इसके फॉर में लिखना है और अगेंस्ट, दोनों में लिखना. हम दोनों में लिखेंगे, वैसे कि आपके एग्ज़ाम में दोनों नई चीज़ें नहीं आएंगी. एग्ज़ाम में तो आपके एक ही आएगा, या तो टॉपिक के अगेंस्ट में आएगा या टॉपिक के फेवर में आएगा. ठीक है, अब इसमें है डाउरी. डाउरी का मतलब होता है दहेज, अ टोकन ऑफ लव और कर्स, कि दहेज जो है वो एक लव का टोकन है या एक कर्स. कर्स का मतलब होता है श्राप, श्राप है. सबसे पहले हम डाउरी के फॉर में लिखेंगे, फेवर में, पक्ष में. ऐसा नहीं है कि डाउरी के जो है हमेशा अगेंस्ट में ही लिखा जाता है, इसके फेवर में भी लिखा जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले वी शुड ड्रॉ अ बॉक्स. हम एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे. हेडिंग जो है हम स्टार्टिंग में हेडिंग लिख देंगे. ठीक है, स्टार्टिंग में हेडिंग लिख देंगे, जो भी हमें हेडिंग गिवन है. फिर उसके अगर हमें फॉर में कहा गया है, फेवर में कहा गया है, तो हम उसके फेवर लिख देंगे, फेवर या फॉर लिख देंगे. अगेंस्ट में कहा गया है तो हम यहाँ पर अगेंस्ट में लिख देंगे. ठीक है, अब देखो, डाउरी मीन्स द गिफ्ट गिवन टू अ गर्ल बाय हर पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ हर मैरिज. डाउरी मीन्स द गिफ्ट गिवन टू अ गर्ल बाय हर पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ हर मैरिज. डाउरी का मतलब, दहेज का मतलब होता है वो गिफ्ट्स जो कि एक लड़की के पेरेंट्स शादी के टाइम पर देते हैं. डाउरी हेल्प्स न्यूली मैरिड कपल टू एस्टेब्लिश देयर फैमिली. दहेज जो है एक न्यूली मैरिड कपल को, उसके परिवार को एस्टेब्लिश का मतलब होता है स्थापित करना. ठीक है, तो एस्टेब्लिश करने में मदद करती है. दिस मेक्स गर्ल्स लाइफ ईजी, इससे लड़की की ज़िंदगी आसान बनती है. डाउरी इज़ अ लव एंड विशेज फ्राम पेरेंट्स टू अ गर्ल. डाउरी जो है एक माता पिता द्वारा दिया गया एक जो है लव और विश है, मतलब कि शुभकामनाएं और प्यार होता है. इट ऑल्सो मेक्स मैरिज ऑफ अगली लुकिंग गर्ल ईजी. डाउरी का एक और फ़ायदा होता है कि इससे कोई भी बुरी दिखने वाली लड़की होती है उसकी भी जो शादी है वो आसानी से हो जाती है. इट ऑल्सो इंक्रीजेज द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द फैमिली. ठीक है, इससे जो है एक औरत का जो परिवार में जो स्टेटस है वो भी बढ़ता है. ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसके फेवर में लिखा. ठीक है, अब मैं इसके आपको इसके अगेंस्ट में बताती हूँ. ठीक है, अब लेकिन आपको दोनों, अभी तो दोनों लिखने हैं, बट ऐसे एग्ज़ाम में आपको एक ही चीज़ दिया जाएगा, या तो फेवर में कहा जाएगा या इसके अगेंस्ट में कहा जाएगा. ठीक है, अब अगेंस्ट में, डाउरी हैज़ बिकम अ ग्रेट इकोनॉमिक बर्डन टू द मिडिल एंड द लोअर क्लास फैमिलीज. डाउरी जो है एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बर्डन, इकोनॉमिक बर्डन का मतलब होता है आर्थिक बोझ. ठीक है, इकोनॉमिक बर्डन टू द मिडिल एंड द लोअर क्लास फैमिलीज, कि जो भी मिडिल क्लास लोग होते हैं, जो भी लोअर क्लास के लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनके लिए डाउरी एक बोझ है.
women are ill-treated, disrespected, manhandled, tortured and subject to all sorts of cruelties in the name of dowry. दहेज के नाम पर औरतों के साथ में बहुत बुरा बिहेव करा जाता है, उनको डिसरिस्पेक्ट करी जाती है, उनके साथ में उनको टॉर्चर करा जाता है. द ग्रीड ऑफ इन लॉज डिस्ट्रॉयज द लाइफ ऑफ अ गर्ल. मतलब कि जो लालच होता है इन लॉज का, ठीक है, वो एक लड़की की ज़िंदगी को ख़राब कर देता है. पेरेंट ऑफ पुअर फैमिली किल देयर डॉटर फ्रॉम देयर वेरी बर्थ और इन देयर मदर्स वॉम. और इस दहेज की वजह से ही कई गरीब परिवार वाले क्या करते हैं, या तो पेट में ही लड़की को मार देते हैं या जन्म के बाद में मार देते हैं. दिस मेक्स इम्बैलेंस इन सेक्स रेशो. इसकी वजह से जो एक मेल फीमेल की जो रेशो है उसमें भी कमी आ जाती है. सो डाउरी सिस्टम शुड बी टोटली बैंड. इसलिए डाउरी सिस्टम जो दहेज प्रथा है उसको पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए. ठीक है, अब देखो हमने इसके फेवर में भी लिखा है एंड हमने इसके अगेंस्ट में भी लिखा है, बट ओनली एक ही लिखना है, या तो फेवर में और इन अगेंस्ट. ठीक है, एंड प्लीज़ मेंटेन और प्लीज़ राइट विद इन वर्ड लिमिट. ठीक है, एंड वर्ड लिमिट इज़ 50 वर्ड्स. इसमें 50 वर्ड्स ही वर्ड लिमिट है, आपको वर्ड लिमिट के अंदर ही लिखना है. डू नॉट राइट लॉन्ग सेंटेंसेस, बड़े बड़े सेंटेंसेस का यूज़ नहीं करना है. जो भी इम्पॉर्टेंट है वही लिखना है. ठीक है, इसके अंदर क्योंकि 50 वर्ड्स के अंदर ही आपको या तो उस टॉपिक के फेवर में बताना है या उसके अगेंस्ट में बताना है. ठीक है, अब जैसे कि दूसरा टॉपिक मैं आपको बताती हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन. इंग्लिश एजुकेशन के फॉर्म में इंग्लिश द मैक्सिमम स्पोकन लैंग्वेज इन द होल वर्ल्ड. इंग्लिश जो है सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है दुनिया के अंदर. इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ साइंस, कंप्यूटर एक्सेट्रा. ये जो लैंग्वेज साइंस और कंप्यूटर की लैंग्वेज है. इंग्लिश एजुकेशन इज़ कंसिडर्ड एज अ सिम्बल ऑफ हाई स्टेटस. इंग्लिश एजुकेशन जो है एक हाई स्टेटस का सिम्बल माना जाता है. इट मेक्स कम्युनिकेशन ईजी. इसे बोलना चलना आसान हो जाता है, कम्युनिकेट करना. इट इंक्रीजेज द जॉब अपॉर्चुनिटी मेनली इन MNCs. जिसको इंग्लिश आती है उसकी वजह से जो MNCs कंपनी होती है, MNC का मतलब होता है मल्टी नेशनल कंपनीज, उसमें जो जॉब की अपॉर्चुनिटी होती है, जो नौकरी की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, अवसर होते हैं, वो बढ़ जाते हैं. इफ़ यू वॉन्ट टू डू मल्टी नेशनल बिजनेस दैन वी नीड टू लर्न इट. अगर हम कोई मल्टी नेशनल बिजनेस करना चाहते हैं तभी भी हमें इंग्लिश आनी चाहिए. ऑल बुक्स ऑफ हायर एजुकेशन इज़ रिटन इन इंग्लिश. जितनी भी हायर एजुकेशन की बुक्स होती हैं वो सभी इंग्लिश में ही लिखी जाती हैं. ठीक है, तो इंग्लिश एजुकेशन के फेवर में. अब इंग्लिश एजुकेशन के अगेंस्ट में, पीपल हु हैव लर्नड इंग्लिश ट्राई टू अडॉप्ट वेस्टर्न स्टाइल एंड फॉरगेट देयर इंडिजीनियस कल्चर. जो लोग इंग्लिश सीख जाते हैं वो वेस्टर्न कल्चर को अपना लेते हैं और अपने खुद के संस्कृति को भूल जाते हैं. वी कैन ऑल्सो गिव गुड वैल्यूज़ टू आर चिल्ड्रेन थ्रू आर ओन एंशियंट लैंग्वेज. हम हमारी खुद की जो पुरानी भाषा है उसके थ्रू भी हमारे बच्चों को अच्छे वैल्यूज़, अच्छे संस्कार दे सकते हैं, सच एज संस्कृत और हिंदी. जैसे कि हमारी पुरानी लैंग्वेज कौन सी मानी जाती है, संस्कृत एंड हिंदी. द बेस्ट मीडियम ऑफ एजुकेशन इज़ थ्रू मदर टंग. सबसे अच्छा जो मीडियम होता है एजुकेशन का वो मदर टंग, मातृभाषा के थ्रू ही होता है. सो इंग्लिश एजुकेशन इज़ कॉम्प्लीमेंट्री नॉट नेसेसरी. इसलिए इंग्लिश एजुकेशन जो कॉम्प्लीमेंट्री हो सकती है, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स हेल्पफुल, ठीक है, सहायक, लेकिन ज़रूरी नहीं है. तो ये इंग्लिश एजुकेशन के अगेंस्ट में है एंड दिस इज़ इन फेवर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन. ठीक है, टुडे हमने जो है दो टॉपिक करे हैं, डाउरी सिस्टम एंड इंग्लिश एजुकेशन. चिल्ड्रन प्लीज़ डू योर वर्क रेगुलरली. ठीक है, अपना वर्क रेगुलरली करिए एंड सेंड मी ऑन माय पर्सनल व्हाट्सअप नंबर. ठीक है, और मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे सेंड करिए इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक. ठीक है, दिस इज़ योर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, इस क्वेश्चन का ये लास्ट टॉपिक है, फिफ्थ टॉपिक है. ठीक है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग फाइव टॉपिक्स, ठीक है, यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉल मी. ठीक है, आपको अच्छे से करना है. प्लीज़ डू योर वर्क नीट एंड क्लीन वर्क. ठीक है, इन योर फेव कॉपी और सेंड मी. और आपको मेरे को रेगुलर अपना वर्क जो है कर भेजना है. ठीक है, ये जो आज का वर्क है ये भी आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा. ठीक है, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मैं आपको सेंड कर देती हूँ. ठीक है, और फिर आप मुझे जो अपना वर्क कर प्लीज़ मेंशन योर नेम, क्लास, सेक्शन एंड डेट आल्सो. ठीक है, अपना नेम, सेक्शन, क्लास जो है ये भी आपको मेंशन करनी है, ये आपको लिखना है. बट प्लीज़ डू योर वर्क रेगुलरली. लेकिन आपको अपना वर्क रेगुलरली करना है और टाइम पर सेंड करना है. ठीक है,
ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.